मैं अपने टीडीपी वाले मित्रों से संवेदना रखता हूं, मैं उनसे वो कहना चाहता हूं कि ये पहला वादा नहीं है जो मोदी जी मुकरे हैं, ये स्वामीनाथन का वादा करके भी मुकरे हैं, ये 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा करके भी मुकरे हैं, ये मुकरने के माहिर हैं, इसलिए मैं आपसे संवेदना रखता हूं, आपके पक्ष में हूं, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, आज 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 जो आज मेरे मित्र जो हैं, जो बोल रहे थे आज आज मेरे मित्र बीजेपी के जो जितने भी बीजेपी के जो बीजेपी के जितने भी मेरे मित्रों ने आज स्पीच दी, लगभग सभी में उन्होंने कहा हम सभी राज्यों को लोकतांत्रिक तरीके से सरकारें चलाने के लिए अधिकार देते हैं। क्या दिल्ली को आप देश का हिस्सा नहीं मानते? दिल्ली में आप क्या कर रहे हैं? दिल्ली में चुने हुए मुख्यमंत्री, दिल्ली का चुना हुआ मुख्यमंत्री 9 दिन तक LG के वेटिंग रूम में उसके घर में उसको मिलने के लिए वेट कर रहा है, 9 मिनट नहीं मिले उसको मिलने के लिए, क्या ये लोकतंत्र है? 4 राज्यों के मुख्यमंत्री आए उनसे भी LG नहीं मिले। मैडम स्पीकर, जिस घर में LG रहते हैं उस घर में अंग्रेजों के जमाने में वायसराय रहते थे, शायद वायसराय की आत्मा LG में घुस गई है। क्या लाट साहब के डंडे से दिल्ली चलाओगे? क्या ये लोकतंत्र है कि ये फेडरल स्ट्रक्चर के लिए बहुत बड़ा खतरा है? ये गोवा में भी ऐसे करते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश में भी ऐसे करते हैं। मैडम मैं आगे कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी जब किसी स्टेट में जाते हैं तो उस स्टेट की जो ट्रेडिशनल उसकी ड्रेस होती है वो उनको पहनाई जाती है। दुख से कहना पड़ रहा है कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी पंजाब के दौरे पर गए, उनको पगड़ी पहनाई गई, 90% कुर्बानियां पंजाब देश को याद कराने के लिए पंजाबियों की हैं। दुख से कहना पड़ रहा है 90% जो कुर्बानियां देने वाले पंजाबी जिन्होंने देश आजाद कराया, उस आजाद देश का प्रधानमंत्री 90 सेकंड तक भी वो पगड़ी को अपने सर पे नहीं रखता, 5 सेकंड में उन्होंने पगड़ी फेंक दी। इससे पता चलता है कि माइनॉरिटीज की कितनी कदर है प्रधानमंत्री के दिल में। मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ, आज डिबेट किस बात पे चल रही है? बेरोजगारी पे तो कोई डिबेट ही नहीं चल रही, आज डिजिटल इंडिया पे तो बात ही नहीं कर रहा, आज डिबेट चल रही है हिंदू मुस्लिम पे, कोई भी टीवी लगा लो हिंदू मुस्लिम। ये देश में जो ये विभाजन की जो राजनीति है ये बहुत ही खतरनाक है, ये बहुत ही देश को बांटने वाली बात है। मैडम पेट्रोल और डीजल के भाव कहाँ चले गए? क्या बोल के आई थी सरकार? बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार बीजेपी सरकार, लेकिन महंगाई की बात पूछो, आप सब्जियां खरीदने जाओ तो क्या हाल है? डॉलर की कीमत ऑल टाइम लो है, 70 रुपए तक चली गई है। कौन सी प्राप्ति है? बड़ी बड़ी प्राप्तियां गिरा रहे थे। मैडम आखिर में मैं एक छोटी सी कविता बोलकर बैठ जाऊंगा, कृपया घंटी मत बजाना फिर डिस्टर्ब हो जाता है मैडम, प्लीज। छोटी सी कविता है के बाद चली थी भारत को डिजिटल इंडिया बनाने से, बात चली थी भारत को डिजिटल इंडिया बनाने से, बात चली थी 1 के बदले 10 सर काट कर लाने से, बात चली थी बुलेट ट्रेन चलाने से, बात चली थी 56 इंच का सीना दिखाने से, बात चली थी ना खाने से ना खिलाने से। कहां गई वो 100 दिन में काले धन की बात? पिछले 4 साल से देश की जनता सुन रही है सिर्फ रेडियो पर मन की बात, चौकीदार देख रहा है, चौकीदार देख रहा है, और लोग बैंकों को चूना लगाकर भगौड़े हो रहे हैं, और लाखों पढ़े लिखे नौजवानों के सपने आंखों के सामने पकौड़े हो रहे हैं। अब तो साहब के ऑफिस से मेन्यू बनकर आता है कि हमने क्या पहनना है और हम क्या खाने वाले हैं। मोदी जी अच्छे दिन कब आने वाले हैं? बहुत बहुत शुक्रिया।